भूतिया ट्रेन और डबल बस। भानगढ़ के स्टेशन पर अंकिता अकेली ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी उसको एक आदमी दिखता है और उससे बोलता है, अरे बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, कोई स्टेशन पर क्या कर रहा होता है? मुझे घर जाना है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। अंकिता उसकी बातों का जवाब देती है और खुद से बोलती है, बड़ा अजीब आदमी है, खुद भी ट्रेन का इंतजार कर रहा है और मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। खैर, मुझे क्या। अंकिता सोचते हुए अपने बगल में देखती है, लेकिन वो आदमी उसको नहीं दिखता। और तभी ट्रेन की आवाज आती है। ट्रेन की आवाज सुनकर अंकिता डर जाती है, लेकिन फिर ट्रेन देखकर अंकिता राहत भरी सांस लेती है। और थोड़ी देर बाद वो ट्रेन भानगढ़ स्टेशन पर रुकती है। अंकिता अब उस ट्रेन में बैठ जाती है और थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ती है। थोड़ी दूर जाते ही अंकिता को ट्रेन में अचानक बहुत ही गर्मी लगने लगती है। उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। ओह गॉड, ट्रेन में इतनी गर्मी कैसे हो सकती है? ट्रेन तो चल रही है। अंकिता अपनी सीट से उठकर बाहर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है कि तभी वो देखती है कि ट्रेन के सामने एक डबल बस आ रही है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाती है और अंदर आकर सभी पैसेंजर से बोलती है, हे, देखो उधर बाहर एक बस आ रही है, वो ट्रेन से टकरा जाएगी। बेचारी सबके सामने चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अचानक उसके पीछे से उसको धीरे से एक आवाज आती है, अंकिता। अंकिता एक झटके से पीछे मुड़ती है और चिल्ला कर बोलती है, कौन है? मैं पूछती हूँ कौन है यहाँ पर? अंकिता अपनी सीट पर बैठ जाती है और अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगती है। मैं कहाँ पर थी? गॉड, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे निकलना है। अंकिता के माथे पर पसीना था और वो एक कोने में बैठकर रो रही थी कि तभी उसको याद आता है कि बस ट्रेन से टकराने वाली है। अंकिता तुरंत उठकर एक बार फिर दरवाजे पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई बस है ही नहीं। और अचानक अंकिता को पीछे से मानो किसी ने धक्का दे दिया हो, वो बाहर की तरफ गिर जाती है। गिरते वक्त वो बहुत तेज चीखती है और अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लेती है। उसको ऐसा लग रहा था मानो अब वो जिंदा नहीं है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और डर की वजह से वो बेहोश हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें जब खुलती हैं, तब वो खुद को उस ट्रेन में नहीं बल्कि एक बस की सीट पर देखती है। अंकिता ये देखकर राहत भरी सांस लेती है और जैसे ही वो सीट से नीचे उतरती है कि तभी उसका पैर कोई नीचे से खींच लेता है और वो बस के नीचे वाले हिस्से में गिर जाती है। वो एक बार फिर से डर जाती है और मदद की गुहार लगाने लगती है, कौन है? मुझे छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दो प्लीज। अंकिता फूट फूट कर रो रही थी कि तभी उसको एक छोटे बच्चे की परछाई दिखाई देती है। वो परछाई अंकिता के पास आती है और उसके आंसू पोंछते हुए बोलती है, आप मत रो दीदी। कौन हो तुम सब? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे जाने दो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। आप हमारी दुनिया में आओगी, हमारे साथ रहोगी ना दीदी? नहीं, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे जाने दो। कौन हो तुम सब, बताओ मुझे। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर बहुत सारे भूत उसके सामने आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, हमें मुक्ति चाहिए, हमें तुम ही मुक्त करवा सकती हो। हम तुम्हारा इंतजार पिछले 16 साल से कर रहे हैं, हमें मुक्ति दिलवाओ। अंकिता अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और हिम्मत करके उनसे उनका राज पूछती है। और कैसे? भानगढ़ से एक ट्रेन गुजर रही थी, उस ट्रेन में काफी लोग थे, वो बहुत ही खुश थे कि तभी अचानक एक हादसा होता है। ट्रेन के सामने से एक डबल ट्रेवलिंग बस का ब्रेक फेल हो चुका था और वो अचानक ट्रेन से टकरा गई। ट्रेन से जैसे ही बस टकराती है कि तभी एक माँ की गोद से उसकी बच्ची बस की खिड़की से बाहर गिर जाती है। वो बच्ची बच तो जाती है, लेकिन बस और ट्रेन आपस में टकराने की वजह से दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं और ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। उस दिन सब मर तो गए थे,
लेकिन उनमें से एक बच्ची बच गई जो 6 साल की थी। तब से ये ट्रेन और बस आपस में जुड़ी हुई है। ये आधी ट्रेन और आधी बस है। अंकिता बाहर की तरफ देखती है और वो देखती है कि जहाँ वो खड़ी है वो आधी बस और आधी ट्रेन है। ये सब देखकर अंकिता सोचती है, इसका मतलब ये है कि इनके साथ जो हादसा हुआ उसमें बची हुई बच्ची कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। उसको सोचता हुआ देख ड्राइवर भूत बोलता है, तुम जो सोच रही हो बिल्कुल सच है। तुम ही हो वो बच्ची और तुम ही हमें मुक्त कर सकती हो अंकिता। आप सब भूत बन गए, और अगर आप सब भूत बन भी गए हैं तो लोगों को क्यों मार रहे हो? उसको रोता हुआ देख अंकिता की माँ उसके पास आती है और उसको गले लगाती है और बोलती है, बेटा हमें तू आजाद करना जरूरी है। यहाँ के सरकार ने इस केस को दबा दिया था और हमें मुक्ति नहीं मिली। बेटा हमें खून की जरूरत होती है और अब हम इंसान नहीं हैं जो खाना खाएं, हम भूत हैं। इसीलिए हमने लोगों को मारना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ, मैं आप सभी को इंसाफ दिलवाऊंगी। ये केस मैं खुद लड़ूंगी। मेरी बच्ची तू एक वकील है? हाँ माँ, मैं एक लॉयर हूँ। जब वो एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मुझे एक भले आदमी ने गोद ले लिया था और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। आप मुझे कुछ समय दो, मैं आप लोगों को मुक्ति दिलवा दूंगी। थोड़ी देर बाद अंकिता उस भूतिया ट्रेन और डबल डेकर बस से उतर जाती है और वो केस लड़ती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अंकिता अब उस केस को जीत जाती है। उस बस और ट्रेन में जितने भी लोग मारे गए थे उनके परिवार को मुआवजा मिला और जिस भी सरकार ने इस केस को दबाया हुआ था उसको जेल हो गई। ये सब देख सभी भूतों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अंकिता पंडित को ले जाकर भानगढ़ स्टेशन पर उनकी मुक्ति के लिए पूजा करवाती है और अब सभी भूतों को मुक्ति मिल जाती है और अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। अंकिता भी अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है। Ha 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 ha!